इतनी बड़ी गलती थी उसकी, जितनी बड़ी सजा मिली है उसे। तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? अभी ये पॉसिबल नहीं है। अभी मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो तुम्हारे घर वालों से मिले बगैर कहीं नहीं जा रही, और ये सब बातें मुझे। छोटी गलती नहीं थी उसकी। क्या कहना चाह रहे हो? और हम तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएंगे। कौन से पैसे खाए मैंने? चलो बता दे, ले चलो। हाँ, लेके जाओ। अस्सलाम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जुल्म के अगले किस्से में आप देखेंगे। व्यूअर्स, जब मलिक अजलाल को पता लगी कि मैंने जिस बंदे को शावेज़ के गवाही के लिए 5 लाख रुपया दी थी, इस गवाही से लोग खबर हो चुके हैं, और अब शावेज़ की माँ मेरे ख़िलाफ़ ये अदालत में सबूत पेश करने वाली है कि इसने 5 लाख रुपये देकर किसी से ये झूठी गवाही करवाई थी। और इस वजह से व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और वो अपने बंदों से कहेगा कि इस औरत को ये सबूत पेश करने से पहले पहले ख़त्म कर दो, और इसके पूरे ख़ानदान को उड़ा दो, क्योंकि ये हमारी जान अब नहीं छोड़नी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल के बंदे जाएंगे, लेकिन इसके शावेज़ के माँ उसको नहीं मिलेगी। तो फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब अदालत में पेशी का वक्त आता है, तो मलिक अजलाल के ख़िलाफ़ शावेज़ की माँ का वकील सारी सबूतें पेश कर देता है, और अदालत ये हुक्म कर देता है कि हाँ, मलिक अजलाल ने ये बहुत गलत काम किया है। व्यूअर्स, अदालत ये फैसला करेगा कि मलिक अजलाल को जल्द अज जल्द पकड़ा जाए, और जिसने 5 लाख रुपए लिए थे इसको भी पकड़ा जाए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल चुप जाएगा, और इसका सियासी करियर भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल को जब इस बात की पता लगेगी, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और अब और भी गुस्सा हो जाएगा। वो अपने बंदों को भेजेगा कि शावेज़ की माँ को आज ही ख़त्म कर दो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब शावेज़ के घर जाएंगे लोग, तो वहाँ पर इसको कोई भी नहीं मिलेगा। इसकी माँ घर में नहीं है, उसने अपने घर को ताला लगाया है। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शावेज़ भी जेल से निकलेगा, और मलिक अजलाल का सामना करेगा कि मलिक अजलाल, तुमने आज तक तो इतने बुरी सलूक हमारे साथ की है, लेकिन आज के बाद तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हारा सामने करने वाला हूँ, तुमसे डरता नहीं हूँ, और तुमने आज तक जितने भी जुल्म किए हैं कि। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जुल्म के अगले किस्से में आप देखेंगे। व्यूअर्स, जब मलिक अजलाल को पता लगी कि मैंने जिस बंदे को शावेज़ के गवाही के लिए 5 लाख रुपया दी थी, इस गवाही से लोग खबर हो चुके हैं, और अब शावेज़ की माँ मेरे ख़िलाफ़ ये अदालत में सबूत पेश करने वाली है कि इसने 5 लाख रुपये देकर किसी से ये झूठी गवाही करवाई थी। और इस वजह से व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और वो अपने बंदों से कहेगा कि इस औरत को ये सबूत पेश करने से पहले पहले ख़त्म कर दो, और इसके पूरे ख़ानदान को उड़ा दो, क्योंकि ये हमारी जान अब नहीं छोड़नी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल के बंदे जाएंगे, लेकिन इसके शावेज़ की माँ उसको नहीं मिलेगी। तो फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब अदालत में पेशी का वक्त आता है, तो मलिक अजलाल के ख़िलाफ़ शावेज़ की माँ का वकील सारी सबूतें पेश कर देता है, और अदालत ये हुक्म कर देता है कि हाँ, मलिक अजलाल ने ये बहुत गलत काम किया है। व्यूअर्स, अदालत ये फैसला करेगा कि मलिक अजलाल को जल्द अज जल्द पकड़ा जाए, और जिसने 5 लाख रुपए लिए थे इसको भी पकड़ा जाए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल चुप जाएगा, और इसका सियासी करियर भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल को जब इस बात की पता लगेगी, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और अब और भी गुस्सा हो जाएगा। वो अपने बंदों को भेजेगा कि शावेज़ की माँ को आज ही ख़त्म कर दो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब शावेज़ के घर जाएंगे लोग, तो वहाँ पर इसको कोई भी नहीं मिलेगा। इसकी माँ घर में नहीं है, उसने अपने घर को ताला लगाया है। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शावेज़ भी जेल से निकलेगा, और मलिक अजलाल का सामना करेगा कि मलिक अजलाल, तुमने आज तक तो इतने बुरी सलूक हमारे साथ की है, लेकिन आज के बाद तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हारा सामने करने वाला हूँ, तुमसे डरता नहीं हूँ,
और तुमने आज तक जितने भी जुल्म की है कि अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जुल्म के अगले किस्से में आप देखेंगे। व्यूअर्स, जब मलिक अजलाल को पता लगेगी कि मैंने जिस बंदे को शावेज के गवाही के लिए 5 लाख रुपया दी थी, इस गवाही से लोग खबर हो चुके हैं और अब शावेज की माँ मेरे खिलाफ ये अदालत में सबूत पेश करने वाली है कि इसने 5 लाख रुपए देकर किसी से ये झूठी गवाही करवाई थी। और इस वजह से व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो अपने बंदों से कहेगा कि इस औरत को ये सबूत पेश करने से पहले पहले ख़त्म कर दो और इसके पूरे ख़ानदान को उड़ा दो, क्योंकि ये हमारी जान अब नहीं छोड़नी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल के बंदे जाएंगे लेकिन इसके शावेज के माँ उसको नहीं मिलेगी। तो फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब अदालत में पेशी का वक्त आता है तो मलिक अजलाल के ख़िलाफ़ शावेज की माँ का वकील सारी सबूतें पेश कर देता है और अदालत ये हुक्म कर देता है कि हाँ, मलिक अजलाल ने ये बहुत गलत काम किया है। व्यूअर्स, अदालत ये फैसला करेगा कि मलिक अजलाल को जल्द अज जल्द पकड़ा जाए और जिसने 5 लाख रुपए लिए थे इसको भी पकड़ा जाए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल चुप जाएगा और इसका सियासी करियर भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल को जब इस बात की पता लगेगी तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है और अब और भी गुस्सा हो जाएगा। वो अपने बंदों को भेजेगा कि शावेज की माँ को आज ही ख़त्म कर दो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब शावेज के घर जाएंगे लोग तो वहाँ पर इसको कोई भी नहीं मिलेगा, इसकी माँ घर में नहीं है, उसने अपने घर को ताला लगाया है। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शावेज भी जेल से निकलेगा और मलिक अजलाल का सामना करेगा कि मलिक अजलाल, तुमने आज तक तो इतने बुरी सलूक हमारे साथ की है लेकिन आज के बाद तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हारा सामने करने वाला हूँ, तुमसे डरता नहीं हो और तुमने आज तक जितने भी जुल्म की है कि। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जुल्म के अगले किस्से में आप देखेंगे। व्यूअर्स, जब मलिक अजलाल को पता लगेगी कि मैंने जिस बंदे को शावेज के गवाही के लिए 5 लाख रुपया दी थी, इस गवाही से लोग खबर हो चुके हैं और अब शावेज की माँ मेरे खिलाफ ये अदालत में सबूत पेश करने वाली है कि इसने 5 लाख रुपए देकर किसी से ये झूठी गवाही करवाई थी। और इस वजह से व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो अपने बंदों से कहेगा कि इस औरत को ये सबूत पेश करने से पहले पहले ख़त्म कर दो और इसके पूरे ख़ानदान को उड़ा दो, क्योंकि ये हमारी जान अब नहीं छोड़नी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल के बंदे जाएंगे लेकिन इसके शावेज के माँ उसको नहीं मिलेगी। तो फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब अदालत में पेशी का वक्त आता है तो मलिक अजलाल के ख़िलाफ़ शावेज की माँ का वकील सारी सबूतें पेश कर देता है और अदालत ये हुक्म कर देता है कि हाँ, मलिक अजलाल ने ये बहुत गलत काम किया है। व्यूअर्स, अदालत ये फैसला करेगा कि मलिक अजलाल को जल्द अज जल्द पकड़ा जाए और जिसने 5 लाख रुपए लिए थे इसको भी पकड़ा जाए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल चुप जाएगा और इसका सियासी करियर भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल को जब इस बात की पता लगेगी तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है और अब और भी गुस्सा हो जाएगा। वो अपने बंदों को भेजेगा कि शावेज की माँ को आज ही ख़त्म कर दो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब शावेज के घर जाएंगे लोग तो वहाँ पर इसको कोई भी नहीं मिलेगा, इसकी माँ घर में नहीं है, उसने अपने घर को ताला लगाया है। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शावेज भी जेल से निकलेगा और मलिक अजलाल का सामना करेगा कि मलिक अजलाल, तुमने आज तक तो इतने बुरी सलूक हमारे साथ की है लेकिन आज के बाद तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हारा सामने करने वाला हूँ, तुमसे डरता नहीं हो और तुमने आज तक जितने भी जुल्म की है कि। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जुल्म के अगले किस्से में आप देखेंगे। व्यूअर्स, जब मलिक अजलाल को पता लगेगी कि मैंने जिस बंदे को शावेज के गवाही के लिए 5 लाख रुपया दी थी, इस गवाही से लोग खबर हो चुके हैं और अब शावेज की माँ मेरे खिलाफ ये अदालत में सबूत पेश करने वाली है कि इसने 5 लाख रुपए देकर किसी से ये झूठी गवाही करवाई थी। और इस वजह से व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो अपने बंदों से कहेगा कि इस औरत को ये सबूत पेश करने से पहले पहले ख़त्म कर दो और इसके पूरे ख़ानदान को उड़ा दो, क्योंकि ये हमारी जान अब नहीं छोड़नी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल के बंदे जाएंगे लेकिन इसके शावेज के माँ उसको नहीं मिलेगी। तो फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब अदालत में पेशी का वक्त आता है तो मलिक अजलाल के ख़िलाफ़
शावेज़ की माँ का वकील सारी सबूत पेश कर देता है और अदालत ये हुक्म कर देता है कि हाँ, मलिक अजलाल ने ये बहुत गलत काम किया है। व्यूअर्स, अदालत ये फैसला करेगा कि मलिक अजलाल को जल्द अज जल्द पकड़ा जाए और जिसने 5 लाख रुपए लिए थे इसको भी पकड़ा जाए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मलिक अजलाल चुप जाएगा और इसका सियासी करियर भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मलिक अजलाल को जब इस बात की पता लगेगी तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है और अब और भी गुस्सा हो जाएगा। वो अपने बंदों को भेजेगा कि शावेज़ की माँ को आज ही ख़त्म कर दो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब शावेज़ के घर जाएंगे लोग तो वहाँ पर इसको कोई भी नहीं मिलेगा, इसकी माँ घर में नहीं है, उसने अपने घर को ताला लगाया है। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शावेज़ भी जेल से निकलेगा और मलिक अजलाल का सामना करेगा कि मलिक अजलाल, तुमने आज तक तो इतने बुरी सलूक हमारे साथ की है लेकिन आज के बाद तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हारा सामने करने वाला हूँ, तुमसे डरता नहीं हूँ और तुमने आज तक जितने भी जुल्म की है कि। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जुल्म के अगले किस्से में आप देखेंगे। व्यूअर्स, जब मलिक अजलाल को पता लगेगी कि मैंने जिस बंदे को शावेज़ के गवाही के लिए 5 लाख रुपया दी थी, इस गवाही से लोग खबर हो चुके हैं और अब शावेज़ की माँ मेरे ख़िलाफ़ ये अदालत में सबूत पेश करने वाली है कि इसने 5 लाख रुपये देकर किसी से ये झूठी गवाही करवाई थी, और इस वजह से व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो अपने बंदों से कहेगा कि इस औरत को ये सबूत पेश करने से पहले पहले ख़त्म कर दो और इसके पूरे ख़ानदान को उड़ा दो, क्योंकि ये हमारी जान अब नहीं छोड़नी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मलिक अजलाल के बंदे जाएंगे लेकिन इसके शावेज़ के माँ उसको नहीं मिलेगी। तो फिर व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब अदालत में पेशी का वक्त आता है तो मलिक अजलाल के ख़िलाफ़ शावेज़ की माँ का वकील सारी सबूतें पेश कर देता है और अदालत ये हुक्म कर देता है कि हाँ, मलिक अजलाल ने ये बहुत गलत काम किया है। व्यूअर्स, अदालत ये फैसला करेगा कि मलिक अजलाल को जल्द अज जल्द पकड़ा जाए और जिसने 5 लाख रुपए लिए थे इसको भी पकड़ा जाए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मलिक अजलाल चुप जाएगा और इसका सियासी करियर भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मलिक अजलाल को जब इस बात की पता लगेगी तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है और अब और भी गुस्सा हो जाएगा। वो अपने बंदों को भेजेगा कि शावेज़ की माँ को आज ही ख़त्म कर दो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब शावेज़ के घर जाएंगे लोग तो वहाँ पर इसको कोई भी नहीं मिलेगा, इसकी माँ घर में नहीं है, उसने अपने घर को ताला लगाया है। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शावेज़ भी जेल से निकलेगा और मलिक अजलाल का सामना करेगा कि मलिक अजलाल, तुमने आज तक तो इतने बुरी सलूक हमारे साथ की है लेकिन आज के बाद तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हारा सामने करने वाला हूँ, तुमसे डरता नहीं हूँ और तुमने आज तक जितने भी जुल्म की है कि। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जुल्म के अगले किस्से में आप देखेंगे। व्यूअर्स, जब मलिक अजलाल को पता लगेगी कि मैंने जिस बंदे को शावेज़ के गवाही के लिए 5 लाख रुपया दी थी, इस गवाही से लोग खबर हो चुके हैं और अब शावेज़ की माँ मेरे ख़िलाफ़ ये अदालत में सबूत पेश करने वाली है कि इसने 5 लाख रुपए देकर किसी से ये झूठी गवाही करवाई थी, और इस वजह से व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो अपने बंदों से कहेगा कि इस औरत को ये सबूत पेश करने से पहले पहले ख़त्म कर दो और इसके पूरे ख़ानदान को उड़ा दो, क्योंकि ये हमारी जान अब नहीं छोड़नी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मलिक अजलाल के बंदे जाएंगे लेकिन इसके शावेज़ के माँ उसको नहीं मिलेगी। तो फिर व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब अदालत में पेशी का वक्त आता है तो मलिक अजलाल के ख़िलाफ़ शावेज़ की माँ का वकील सारी सबूतें पेश कर देता है और अदालत ये हुक्म कर देता है कि हाँ, मलिक अजलाल ने ये बहुत गलत काम किया है। व्यूअर्स, अदालत ये फैसला करेगा कि मलिक अजलाल को जल्द अज जल्द पकड़ा जाए और जिसने 5 लाख रुपए लिए थे इसको भी पकड़ा जाए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मलिक अजलाल चुप जाएगा और इसका सियासी करियर भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मलिक अजलाल को जब इस बात की पता लगेगी तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है और अब और भी गुस्सा हो जाएगा। वो अपने बंदों को भेजेगा कि शावेज़ की माँ को आज ही ख़त्म कर दो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब शावेज़ के घर जाएंगे लोग तो वहाँ पर इसको कोई भी नहीं मिलेगा, इसकी माँ घर में नहीं है, उसने अपने घर को ताला लगाया है। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शावेज़ भी जेल से निकलेगा और मलिक अजलाल का सामना करेगा कि मलिक अजलाल, तुमने आज तक तो इतने
बुरी सलूक हमारे साथ की है, लेकिन आज के बाद तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हारा सामने करने वाला हूँ। तुमसे डरता नहीं हो और तुमने आज तक जितने भी जुल्म की है कि। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जुल्म के अगले किस्से में आप देखेंगे। व्यूअर्स, जब मलिक अजलाल को पता लगेगी कि मैंने जिस बंदे को शावेज के गवाही के लिए 5 लाख रुपया दी थी, इस गवाही से लोग खबर हो चुके हैं और अब शावेज की माँ मेरे ख़िलाफ़ ये अदालत में सबूत पेश करने वाली है कि इसने 5 लाख रुपये देकर किसी से ये झूठी गवाही करवाई थी। और इस वजह से व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो अपने बंदे से कहेगा कि इस औरत को ये सबूत पेश करने से पहले पहले ख़त्म कर दो और इसके पूरे ख़ानदान को उड़ा दो, क्योंकि ये हमारी जान अब नहीं छोड़नी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मलिक अजलाल के बंदे जाएंगे लेकिन इसके शावेज के माँ उसको नहीं मिलेगी। तो फिर व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब अदालत में पेशी का वक्त आता है तो मलिक अजलाल के ख़िलाफ़ शावेज की माँ का वकील सारी सबूतें पेश कर देता है और अदालत ये हुक्म कर देता है कि हाँ, मलिक अजलाल ने ये बहुत गलत काम किया है। व्यूअर्स, अदालत ये फैसला करेगा कि मलिक अजलाल को जल्द अज जल्द पकड़ा जाए और जिसने 5 लाख रुपए लिए थे इसको भी पकड़ा जाए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मलिक अजलाल चुप जाएगा और इसका सियासी करियर भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मलिक अजलाल को जब इस बात की पता लगेगी तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है और अब और भी गुस्सा हो जाएगा। वो अपने बंदों को भेजेगा कि शावेज के माँ को आज ही ख़त्म कर दो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब शावेज के घर जाएंगे लोग तो वहाँ पर इसको कोई भी नहीं मिलेगा, इसकी माँ घर में नहीं है, उसने अपने घर को ताला लगाया है। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शावेज भी जेल से निकलेगा और मलिक अजलाल का सामना करेगा कि मलिक अजलाल, तुमने आज तक तो इतने बुरी सलूक हमारे साथ की है लेकिन आज के बाद तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हारा सामने करने वाला हूँ। तुमसे डरता नहीं हो और तुमने आज तक जितने भी जुल्म की है कि। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जुल्म के अगले किस्से में आप देखेंगे। व्यूअर्स, जब मलिक अजलाल को पता लगेगी कि मैंने जिस बंदे को शावेज के गवाही के लिए 5 लाख रुपया दी थी, इस गवाही से लोग खबर हो चुके हैं और अब शावेज की माँ मेरे ख़िलाफ़ ये अदालत में सबूत पेश करने वाली है कि इसने 5 लाख रुपये देकर किसी से ये झूठी गवाही करवाई थी। और इस वजह से व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मलिक अजलाल बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो अपने बंदों से कहेगा कि इस औरत को ये सबूत पेश करने से पहले पहले ख़त्म कर दो और इसके पूरे ख़ानदान को उड़ा दो, क्योंकि ये हमारी जान अब नहीं छोड़नी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मलिक अजलाल के बंदे जाएंगे लेकिन इसके शावेज के माँ उसको नहीं मिलेगी। तो फिर व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब अदालत में पेशी का वक्त आता है तो मलिक अजलाल के ख़िलाफ़ शावेज की माँ का वकील सारी सबूतें पेश कर देता है और अदालत ये हुक्म कर देता है कि हाँ, मलिक अजलाल ने ये बहुत गलत काम किया है। व्यूअर्स, अदालत ये फैसला करेगा कि मलिक अजलाल को जल्द अज जल्द पकड़ा जाए और जिसने 5 लाख रुपए लिए थे इसको भी पकड़ा जाए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मलिक अजलाल चुप जाएगा और इसका सियासी करियर भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मलिक अजलाल को जब इस बात की पता लगेगी तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है और अब और भी गुस्सा हो जाएगा। वो अपने बंदों को भेजेगा कि शावेज की माँ को आज ही ख़त्म कर दो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब शावेज के घर जाएंगे लोग तो वहाँ पर इसको कोई भी नहीं मिलेगा, इसकी माँ घर में नहीं है, उसने अपने घर को ताला लगाया है। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शावेज भी जेल से निकलेगा और मलिक अजलाल का सामना करेगा कि मलिक अजलाल, तुमने आज तक तो इतने बुरी सलूक हमारे साथ की है लेकिन आज के बाद तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हारा सामने करने वाला हूँ। तुमसे डरता नहीं हो और तुमने आज तक जितने भी जुल्म की है कि। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जुल्म के अगले किस्से में आप देखेंगे। व्यूअर्स, जब मलिक अजलाल को पता लगेगी कि मैंने जिस बंदे को शावेज के गवाही के लिए 5 लाख रुपया दी थी, इस गवाही से लोग खबर हो चुके हैं और अब शावेज की माँ मेरे ख़िलाफ़ ये अदालत में सबूत पेश करने वाली है कि इसने 5 लाख रुपये देकर किसी से ये झूठी गवाही करवाई थी। और इस वजह से व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मलिक अजलाल बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो अपने बंदों से कहेगा कि इस औरत को ये सबूत पेश करने से पहले पहले ख़त्म कर दो और इसके पूरे ख़ानदान को उड़ा दो, क्योंकि ये हमारी जान अब नहीं छोड़नी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मलिक अजलाल के बंदे जाएंगे लेकिन इसके शावेज के माँ उसको नहीं मिलेगी। तो फिर व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब अदालत में पेशी का वक्त आता है तो मलिक अजलाल के ख़िलाफ़
शावेज़ की माँ का वकील सारी सबूत पेश कर देता है और अदालत ये हुक्म कर देता है कि हाँ, मलिक अजलाल ने ये बहुत गलत काम किया है। व्यूअर्स, अदालत ये फैसला करेगा कि मलिक अजलाल को जल्द अज जल्द पकड़ा जाए और जिसने 5 लाख रुपए लिए थे इसको भी पकड़ा जाए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मलिक अजलाल चुप जाएगा और इसका सियासी करियर भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मलिक अजलाल को जब इस बात की पता लगेगी तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है और अब और भी गुस्सा हो जाएगा। वो अपने बंदों को भेजेगा कि शावेज़ की माँ को आज ही ख़त्म कर दो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब शावेज़ के घर जाएंगे लोग तो वहाँ पर इसको कोई भी नहीं मिलेगा, इसकी माँ घर में नहीं है, उसने अपने घर को ताला लगाया है। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शावेज़ भी जेल से निकलेगा और मलिक अजलाल का सामना करेगा कि मलिक अजलाल, तुमने आज तक तो इतने बुरी सलूक हमारे साथ की है लेकिन आज के बाद तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हारा सामने करने वाला हूँ, तुमसे डरता नहीं हूँ और तुमने आज तक जितने भी जुल्म किए हैं कि। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जुल्म के अगले किस्से में आप देखेंगे। व्यूअर्स, जब मलिक अजलाल को पता लगेगी कि मैंने जिस बंदे को शावेज़ के गवाही के लिए 5 लाख रुपया दी थी, इस गवाही से लोग खबर हो चुके हैं और अब शावेज़ की माँ मेरे खिलाफ ये अदालत में सबूत पेश करने वाली है कि इसने 5 लाख रुपये देकर किसी से ये झूठी गवाही करवाई थी, और इस वजह से व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो अपने बंदों से कहेगा कि इस औरत को ये सबूत पेश करने से पहले पहले ख़त्म कर दो और इसके पूरे ख़ानदान को उड़ा दो क्योंकि ये हमारी जान अब नहीं छोड़नी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मलिक अजलाल के बंदे जाएंगे लेकिन इसके शावेज़ के माँ उसको नहीं मिलेगी। तो फिर व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब अदालत में पेशी का वक्त आता है तो मलिक अजलाल के ख़िलाफ़ शावेज़ की माँ का वकील सारी सबूत पेश कर देता है और अदालत ये हुक्म कर देता है कि हाँ, मलिक अजलाल ने ये बहुत गलत काम किया है। व्यूअर्स, अदालत ये फैसला करेगा कि मलिक अजलाल को जल्द अज जल्द पकड़ा जाए और जिसने 5 लाख रुपए लिए थे इसको भी पकड़ा जाए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मलिक अजलाल चुप जाएगा और इसका सियासी करियर भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मलिक अजलाल को जब इस बात की पता लगेगी तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है और अब और भी गुस्सा हो जाएगा। वो अपने बंदों को भेजेगा कि शावेज़ की माँ को आज ही ख़त्म कर दो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब शावेज़ के घर जाएंगे लोग तो वहाँ पर इसको कोई भी नहीं मिलेगा, इसकी माँ घर में नहीं है, उसने अपने घर को ताला लगाया है। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शावेज़ भी जेल से निकलेगा और मलिक अजलाल का सामना करेगा कि मलिक अजलाल, तुमने आज तक तो इतने बुरी सलूक हमारे साथ की है लेकिन आज के बाद तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हारा सामने करने वाला हूँ, तुमसे डरता नहीं हूँ और तुमने आज तक जितने भी जुल्म किए हैं कि। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जुल्म के अगले किस्से में आप देखेंगे। व्यूअर्स, जब मलिक अजलाल को पता लगेगी कि मैंने जिस बंदे को शावेज़ के गवाही के लिए 5 लाख रुपया दी थी, इस गवाही से लोग खबर हो चुके हैं और अब शावेज़ की माँ मेरे खिलाफ ये अदालत में सबूत पेश करने वाली है कि इसने 5 लाख रुपए देकर किसी से ये झूठी गवाही करवाई थी, और इस वजह से व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो अपने बंदों से कहेगा कि इस औरत को ये सबूत पेश करने से पहले पहले ख़त्म कर दो और इसके पूरे ख़ानदान को उड़ा दो क्योंकि ये हमारी जान अब नहीं छोड़नी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मलिक अजलाल के बंदे जाएंगे लेकिन इसके शावेज़ के माँ उसको नहीं मिलेगी। तो फिर व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब अदालत में पेशी का वक्त आता है तो मलिक अजलाल के ख़िलाफ़ शावेज़ की माँ का वकील सारी सबूत पेश कर देता है और अदालत ये हुक्म कर देता है कि हाँ, मलिक अजलाल ने ये बहुत गलत काम किया है। व्यूअर्स, अदालत ये फैसला करेगा कि मलिक अजलाल को जल्द अज जल्द पकड़ा जाए और जिसने 5 लाख रुपए लिए थे इसको भी पकड़ा जाए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मलिक अजलाल चुप जाएगा और इसका सियासी करियर भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मलिक अजलाल को जब इस बात की पता लगेगी तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है और अब और भी गुस्सा हो जाएगा। वो अपने बंदों को भेजेगा कि शावेज़ की माँ को आज ही ख़त्म कर दो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब शावेज़ के घर जाएंगे लोग तो वहाँ पर इसको कोई भी नहीं मिलेगा, इसकी माँ घर में नहीं है, उसने अपने घर को ताला लगाया है। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शावेज़ भी जेल से निकलेगा और मलिक अजलाल का सामना करेगा कि मलिक अजलाल, तुमने आज तक तो इतने
बुरी सलूक हमारे साथ की है, लेकिन आज के बाद तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हारा सामने करने वाला हूँ। तुमसे डरता नहीं हो और तुमने आज तक जितने भी जुल्म की है कि। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जुल्म के अगले किस्से में आप देखेंगे। व्यूअर्स, जब मलिक अजलाल को पता लगेगी कि मैंने जिस बंदे को शावेज के गवाही के लिए 5 लाख रुपया दी थी, इस गवाही से लोग खबर हो चुके हैं और अब शावेज की माँ मेरे ख़िलाफ़ ये अदालत में सबूत पेश करने वाली है कि इसने 5 लाख रुपये देकर किसी से ये झूठी गवाही करवाई थी। और इस वजह से व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो अपने बंदों से कहेगा कि इस औरत को ये सबूत पेश करने से पहले पहले ख़त्म कर दो और इसके पूरे ख़ानदान को उड़ा दो, क्योंकि ये हमारी जान अब नहीं छोड़नी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल के बंदे जाएंगे, लेकिन इसके शावेज के माँ उसको नहीं मिलेगी। तो फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब अदालत में पेशी का वक्त आता है तो मलिक अजलाल के ख़िलाफ़ शावेज की माँ का वकील सारी सबूतें पेश कर देता है और अदालत ये हुक्म कर देता है कि हाँ, मलिक अजलाल ने ये बहुत गलत काम किया है। व्यूअर्स, अदालत ये फैसला करेगा कि मलिक अजलाल को जल्द अज जल्द पकड़ा जाए और जिसने 5 लाख रुपए लिए थे इसको भी पकड़ा जाए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल चुप जाएगा और इसका सियासी करियर भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल को जब इस बात की पता लगेगी तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है और अब और भी गुस्सा हो जाएगा। वो अपने बंदों को भेजेगा कि शावेज की माँ को आज ही ख़त्म कर दो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब शावेज के घर जाएंगे लोग तो वहाँ पर इसको कोई भी नहीं मिलेगा, इसकी माँ घर में नहीं है, उसने अपने घर को ताला लगाया है। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शावेज भी जेल से निकलेगा और मलिक अजलाल का सामना करेगा कि मलिक अजलाल, तुमने आज तक तो इतने बुरी सलूक हमारे साथ की है, लेकिन आज के बाद तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हारा सामने करने वाला हूँ। तुमसे डरता नहीं हो और तुमने आज तक जितने भी जुल्म की है कि। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जुल्म के अगले किस्से में आप देखेंगे। व्यूअर्स, जब मलिक अजलाल को पता लगेगी कि मैंने जिस बंदे को शावेज के गवाही के लिए 5 लाख रुपया दी थी, इस गवाही से लोग खबर हो चुके हैं और अब शावेज की माँ मेरे ख़िलाफ़ ये अदालत में सबूत पेश करने वाली है कि इसने 5 लाख रुपये देकर किसी से ये झूठी गवाही करवाई थी। और इस वजह से व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो अपने बंदों से कहेगा कि इस औरत को ये सबूत पेश करने से पहले पहले ख़त्म कर दो और इसके पूरे ख़ानदान को उड़ा दो, क्योंकि ये हमारी जान अब नहीं छोड़नी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल के बंदे जाएंगे, लेकिन इसके शावेज के माँ उसको नहीं मिलेगी। तो फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब अदालत में पेशी का वक्त आता है तो मलिक अजलाल के ख़िलाफ़ शावेज की माँ का वकील सारी सबूतें पेश कर देता है और अदालत ये हुक्म कर देता है कि हाँ, मलिक अजलाल ने ये बहुत गलत काम किया है। व्यूअर्स, अदालत ये फैसला करेगा कि मलिक अजलाल को जल्द अज जल्द पकड़ा जाए और जिसने 5 लाख रुपए लिए थे इसको भी पकड़ा जाए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल चुप जाएगा और इसका सियासी करियर भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल को जब इस बात की पता लगेगी तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है और अब और भी गुस्सा हो जाएगा। वो अपने बंदों को भेजेगा कि शावेज की माँ को आज ही ख़त्म कर दो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब शावेज के घर जाएंगे लोग तो वहाँ पर इसको कोई भी नहीं मिलेगा, इसकी माँ घर में नहीं है, उसने अपने घर को ताला लगाया है। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शावेज भी जेल से निकलेगा और मलिक अजलाल का सामना करेगा कि मलिक अजलाल, तुमने आज तक तो इतने बुरी सलूक हमारे साथ की है, लेकिन आज के बाद तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हारा सामने करने वाला हूँ। तुमसे डरता नहीं हो और तुमने आज तक जितने भी जुल्म की है कि। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जुल्म के अगले किस्से में आप देखेंगे। व्यूअर्स, जब मलिक अजलाल को पता लगेगी कि मैंने जिस बंदे को शावेज के गवाही के लिए 5 लाख रुपया दी थी, इस गवाही से लोग खबर हो चुके हैं और अब शावेज की माँ मेरे ख़िलाफ़ ये अदालत में सबूत पेश करने वाली है कि इसने 5 लाख रुपये देकर किसी से ये झूठी गवाही करवाई थी। और इस वजह से व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो अपने बंदों से कहेगा कि इस औरत को ये सबूत पेश करने से पहले पहले ख़त्म कर दो और इसके पूरे ख़ानदान को उड़ा दो, क्योंकि ये हमारी जान अब नहीं छोड़नी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल के बंदे जाएंगे, लेकिन इसके शावेज के माँ उसको नहीं मिलेगी। तो फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब अदालत में पेशी का वक्त आता है तो मलिक अजलाल के ख़िलाफ़
शावेज की माँ का वकील सारी सबूत पेश कर देता है और अदालत ये हुक्म कर देता है कि हाँ मलिक अजलाल ने ये बहुत गलत काम किया है। व्यूअर्स अदालत ये फैसला करेगा कि मलिक अजलाल को जल्द अज जल्द पकड़ा जाए और जिसने 5 लाख रुपए लिए थे इसको भी पकड़ा जाए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल चुप जाएगा और इसका सियासी करियर भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल को जब इस बात की पता लगेगी तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है और अब और भी गुस्सा हो जाएगा। वो अपने बंदों को भेजेगा कि शावेज़ की माँ को आज ही ख़त्म कर दो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब शावेज़ के घर जाएंगे लोग तो वहाँ पर इसको कोई भी नहीं मिलेगा, इसकी माँ घर में नहीं है, उसने अपने घर को ताला लगाया है। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शावेज़ भी जेल से निकलेगा और मलिक अजलाल का सामना करेगा कि मलिक अजलाल तुमने आज तक तो इतने बुरी सलूक हमारे साथ की है लेकिन आज के बाद तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हारा सामने करने वाला हूँ, तुमसे डरता नहीं हूँ और तुमने आज तक जितने भी जुल्म की है कि। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जुल्म के अगले किस्से में आप देखेंगे। व्यूअर्स जब मलिक अजलाल को पता लगेगी कि मैंने जिस बंदे को शावेज़ के गवाही के लिए 5 लाख रुपया दी थी इस गवाही से लोग खबर हो चुके हैं और अब शावेज़ की माँ मेरे खिलाफ ये अदालत में सबूत पेश करने वाली है कि इसने 5 लाख रुपये देकर किसी से ये झूठी गवाही करवाई थी और इस वजह से व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो अपने बंदों से कहेगा कि इस औरत को ये सबूत पेश करने से पहले पहले ख़त्म कर दो और इसके पूरे ख़ानदान को उड़ा दो क्योंकि ये हमारी जान अब नहीं छोड़नी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल के बंदे जाएंगे लेकिन इसके शावेज़ के माँ उसको नहीं मिलेगी। तो फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब अदालत में पेशी का वक्त आता है तो मलिक अजलाल के ख़िलाफ़ शावेज़ की माँ का वकील सारी सबूत पेश कर देता है और अदालत ये हुक्म कर देता है कि हाँ मलिक अजलाल ने ये बहुत गलत काम किया है। व्यूअर्स अदालत ये फैसला करेगा कि मलिक अजलाल को जल्द अज जल्द पकड़ा जाए और जिसने 5 लाख रुपए लिए थे इसको भी पकड़ा जाए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल चुप जाएगा और इसका सियासी करियर भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल को जब इस बात की पता लगेगी तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है और अब और भी गुस्सा हो जाएगा। वो अपने बंदों को भेजेगा कि शावेज़ की माँ को आज ही ख़त्म कर दो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब शावेज़ के घर जाएंगे लोग तो वहाँ पर इसको कोई भी नहीं मिलेगा, इसकी माँ घर में नहीं है, उसने अपने घर को ताला लगाया है। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शावेज़ भी जेल से निकलेगा और मलिक अजलाल का सामना करेगा कि मलिक अजलाल तुमने आज तक तो इतने बुरी सलूक हमारे साथ की है लेकिन आज के बाद तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हारा सामने करने वाला हूँ, तुमसे डरता नहीं हूँ और तुमने आज तक जितने भी जुल्म की है कि। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जुल्म के अगले किस्से में आप देखेंगे। व्यूअर्स जब मलिक अजलाल को पता लगेगी कि मैंने जिस बंदे को शावेज़ के गवाही के लिए 5 लाख रुपया दी थी इस गवाही से लोग खबर हो चुके हैं और अब शावेज़ की माँ मेरे खिलाफ ये अदालत में सबूत पेश करने वाली है कि इसने 5 लाख रुपए देकर किसी से ये झूठी गवाही करवाई थी और इस वजह से व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो अपने बंदों से कहेगा कि इस औरत को ये सबूत पेश करने से पहले पहले ख़त्म कर दो और इसके पूरे ख़ानदान को उड़ा दो क्योंकि ये हमारी जान अब नहीं छोड़नी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल के बंदे जाएंगे लेकिन इसके शावेज़ के माँ उसको नहीं मिलेगी। तो फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब अदालत में पेशी का वक्त आता है तो मलिक अजलाल के ख़िलाफ़ शावेज़ की माँ का वकील सारी सबूत पेश कर देता है और अदालत ये हुक्म कर देता है कि हाँ मलिक अजलाल ने ये बहुत गलत काम किया है। व्यूअर्स अदालत ये फैसला करेगा कि मलिक अजलाल को जल्द अज जल्द पकड़ा जाए और जिसने 5 लाख रुपए लिए थे इसको भी पकड़ा जाए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल चुप जाएगा और इसका सियासी करियर भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल को जब इस बात की पता लगेगी तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है और अब और भी गुस्सा हो जाएगा। वो अपने बंदों को भेजेगा कि शावेज़ की माँ को आज ही ख़त्म कर दो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब शावेज़ के घर जाएंगे लोग तो वहाँ पर इसको कोई भी नहीं मिलेगा, इसकी माँ घर में नहीं है, उसने अपने घर को ताला लगाया है। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शावेज़ भी जेल से निकलेगा और मलिक अजलाल का सामना करेगा कि मलिक अजलाल तुमने आज तक तो इतने
बुरी सलूक हमारे साथ की है, लेकिन आज के बाद तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हारा सामने करने वाला हूँ। तुमसे डरता नहीं हो और तुमने आज तक जितने भी जुल्म की है कि। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जुल्म के अगले किस्से में आप देखेंगे। व्यूअर्स, जब मलिक अजलाल को पता लगेगी कि मैंने जिस बंदे को शावेज़ के गवाही के लिए 5 लाख रुपया दी थी, इस गवाही से लोग खबर हो चुके हैं और अब शावेज़ की माँ मेरे ख़िलाफ़ ये अदालत में सबूत पेश करने वाली है कि इसने 5 लाख रुपये देकर किसी से ये झूठी गवाही करवाई थी। और इस वजह से व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो अपने बंदों से कहेगा कि इस औरत को ये सबूत पेश करने से पहले पहले ख़त्म कर दो और इसके पूरे ख़ानदान को उड़ा दो, क्योंकि ये हमारी जान अब नहीं छोड़नी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल के बंदे जाएंगे, लेकिन इसके शावेज़ के माँ उसको नहीं मिलेगी। तो फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब अदालत में पेशी का वक्त आता है तो मलिक अजलाल के ख़िलाफ़ शावेज़ की माँ का वकील सारी सबूतें पेश कर देता है और अदालत ये हुक्म कर देता है कि हाँ, मलिक अजलाल ने ये बहुत गलत काम किया है। व्यूअर्स, अदालत ये फैसला करेगा कि मलिक अजलाल को जल्द अज जल्द पकड़ा जाए और जिसने 5 लाख रुपए लिए थे इसको भी पकड़ा जाए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल चुप जाएगा और इसका सियासी करियर भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल को जब इस बात की पता लगेगी तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है और अब और भी गुस्सा हो जाएगा। वो अपने बंदों को भेजेगा कि शावेज़ की माँ को आज ही ख़त्म कर दो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब शावेज़ के घर जाएंगे लोग तो वहाँ पर इसको कोई भी नहीं मिलेगा, इसकी माँ घर में नहीं है, उसने अपने घर को ताला लगाया है। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शावेज़ भी जेल से निकलेगा और मलिक अजलाल का सामना करेगा कि मलिक अजलाल, तुमने आज तक तो इतने बुरी सलूक हमारे साथ की है, लेकिन आज के बाद तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हारा सामने करने वाला हूँ। तुमसे डरता नहीं हो और तुमने आज तक जितने भी जुल्म की है कि। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जुल्म के अगले किस्से में आप देखेंगे। व्यूअर्स, जब मलिक अजलाल को पता लगेगी कि मैंने जिस बंदे को शावेज़ के गवाही के लिए 5 लाख रुपया दी थी, इस गवाही से लोग खबर हो चुके हैं और अब शावेज़ की माँ मेरे ख़िलाफ़ ये अदालत में सबूत पेश करने वाली है कि इसने 5 लाख रुपये देकर किसी से ये झूठी गवाही करवाई थी। और इस वजह से व्यूअर्स आप देखेंगे कि मलिक अजलाल बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो अपने बंदों से कहेगा कि इस औरत को ये सबूत पेश करने से पहले पहले ख़त्म कर दो और इसके पूरे ख़ानदान को उड़ा दो, क्योंकि ये हमारी